स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कसिंग आवर न्यू टॉपिक फॉर क्लास सिक्स चैप्टर वन द फार्म हाउस कॉम्स। ये छवी क्लास का पहला लेसन, क्योंकि जिमें कि अपन पता है ना भी बुक्स चेंज हो चुकी ने, उस हिसाब न अगे जिमें मतलब आपू बुक PDF फाइल भेजी हुई है, वो पहले तीन लैसन आए हैं। उन्होंने तिना सब तो पहला लैसन जोड़ा है वो की है द फार्म हाउस काउज। ठीक है, ये यू स्टार्ट करने तो पहला, क्योंकि फ्रंट पर आप पता ही है कि वर्ड मीनिंग दिते होंगे वो नॉर्मल इस बुक दे विच भी सब तो पहली एक्टिविटी अपनी वर्ड मीनिंग दी हुई है, तो आप सब तो पहला मीनिंग ऑफ द वर्ड्स ही करनी है। ठीक है, सब तो पहला वर्ड की है एप्रीशिएट, है ना, एप्रीशिएट मतलब कदर करना जा इंग्लिश दे विच आज दा वैल्यू रिस्पेक्ट प्रेजर एडमायर एंड सम मोर वर्ड्स विच आर रिलेटेड टू दिस वर्ड। ठीक है, सेकंड वर्ड है लूफ। इतने लैसन दे विच एक वर्ड आया हुआ है लूफ ऑफ ब्रेड, है ना, मतलब लूफ की हो गया मतलब अपन रोटी का एक टुकड़ा, रोटी या रोटी का एक टुकड़ा। ओके, प्लम, प्लम तो मैंने की है गिट करिए अपन। ठीक है ना, अ लार्ज पीस ऑफ समथिंग, है ना, विदाउट डिफाइनिंग, जड़ी डिफाइन नहीं होती, सिर्फ एवं जिम्मे आ देखो किसी का हाथ छोटा, थोड़ा हाथ छोटा, मेरा हाथ वाडा, इदा ही है ना, किसी का किस साइज है, किसी को गिठ जी आप गिणते हैं लाभ। ठीक है, क्रिएचर, क्रिएचर वर्ड आप बहुत बारी पढ़िया गा, है ना, एक तो होंगे क्रिएशन, क्रिएशन का मतलब TION पहले, बट ये की है क्रिएचर, क्रिएचर मैंने की होगा, क्रिएचर मैंने किया होगा जी। ठीक है, चीज, मूवी, मूविंग एक नाउन के तौर पर भी वरत्या जाता है, वर्ड एडजेक्टिव के तौर पर भी, तो अपना इस लैसन के इसमें पर्व के तौर पर वरत्या है मूविंग चल रही है। ठीक है, डिलीशियस, डिलीशियस मतलब टेस्टी, स्वादी, है ना, फ्लेवरस, फ्लेवरफुल, फ्लेवरफुल, माउथ वाटरिंग, वो देख के मुँह चो पानी आ जाएगा। ठीक है, डिलीशियस, ठीक है, ये भी एडजेक्टिव है। एंड अंडरनेथ मैंने हेठा मतलब अंडरनेथ बीनीथ। ठीक है, बॉटम वर्ड आर रिलेटेड टू दिस। ठीक है, दिस वाज आवर फर्स्ट एक्टिविटी। नाउ लुक एट द फोटो, ये फोटो किस दी है बेटी, शी इज अ राइटर ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, की नाम है इन्हों का, एनिड मैरी ब्लैटन। ओके, एनिड मैरी ब्लैटन, शी वॉज बॉर्न इन 11th August 1897 एंड डाइड एट 28th November 1988, है ना। शी वॉज अ चिल्ड्रन राइटर हुज बुक्स हैव बीन अमंग द वर्ल्डेस्ट बेस्ट सेलर सिंस द 1930s 1930 दशक उन्होंने जुक्स सगिया सब तो ज़्यादा पापूलर हुई सी, सेलिंग मोर दैन 600 मिलियन कॉपीज। ठीक है, इन्हों की फर्स्ट जड़ी बुक सी जी इन्होंने बच्चों लिखी सी, वह की सी चाइल्ड विस्पर, है ना, ये पोइम पोएट्री की बुक सी, कलैक्शन ऑफ पोइम्स है। ठीक है, इन्होंने बारे अपना जानकारी लैनी अपनी बहुत ज़्यादा जरूरी सी,
ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਐਨਿਟ ਮੈਰੀ ਬਲੈਟਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਆਰ ਫਸਟ ਲੈਸਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਕਾਊਸ। ਇਹ ਫਸਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵਰਡ ਮੀਨਿੰਗ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਟ ਅਸ ਰੀਡ ਦਾ ਸਟੋਰੀ। ਰਜਿੰਦਰ ਗੋਟ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਦੈਟ ਹਿਸ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਡ ਬਾਊਟ ਆ ਫਾਰਮ ਇਨ ਅ ਵਿਲੇਜ ਵੇਅਰ ਦੇ ਵਰ ਮੂਵਿੰਗ ਫਰੋਮ ਅ ਸਿਟੀ। ਰਜਿੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਹੈਗਾ ਰਜਿੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੇਅਰ ਦੇ ਵਰ ਮੂਵਿੰਗ ਫਰੋਮ ਅ ਸਿਟਿੰਗ ਸਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਸੋ ਡਿਫੀਕਲਟ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੇਰ ਵਾਜ਼ ਸਮਾਲ ਗ੍ਰੀਨ ਲੇਨਸ ਇੰਸਟੈਡ ਔਫ ਬਿਜ਼ੀ ਸਟਰੀਟ, ਬਿੱਗ ਟਰੀਜ਼ ਇੰਸਟੈਡ ਔਫ ਟਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਐਂਡ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਐਨੀਮਲਸ ਐਂਡ ਬਰਡਸ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗ੍ਰੀਨ ਲੈਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜ਼ੀ ਸਟਰੀਟਸ, ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਸੀ। ਬਿੱਗ ਟਰੀਜ਼ ਇੰਸਟੈਡ ਔਫ ਟਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗਸ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਦੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਇੰਸਟੈਡ ਸੀ ਐਂਡ ਆ ਲੋਟ ਆਫ ਐਨੀਮਲਸ ਐਂਡ ਬਰਡਸ, ਕਈ ਜਾਨਵਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅਤੇ ਕਈ ਪੰਛੀ ਸੀ। ਰਜਿੰਦਰ ਕਾਊਂਟਡ ਦੀ ਐਨੀਮਲਸ ਐਂਡ ਸੈਡ ਟੂ ਹਿਜ ਮਦਰ। ਰਜਿੰਦਰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦਾ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੇਰ ਆਰ 22 ਗੋਟਸ ਇਨ ਦਾ ਫੀਲਡ ਐਂਡ 6 ਲਿਟਲ ਕਿਡਸ ਮੋਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇਰ ਆਰ 32 ਗੋਟਸ, 32 32 ਹੈ ਨਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨ ਦਾ ਫੀਲਡ ਐਂਡ 6 ਲਿਟਲ ਕਿਡਸ, ਅਤੇ 6 ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਮ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਡ ਰਜਿੰਦਰ ਟੂ ਹਿਜ ਮਦਰ ਐਂਡ ਦੇਰ ਆਰ 9 ਹੋਰਸਿਸ ਐਟ ਦਾ ਫਾਰਮ ਐਂਡ ਆਈ ਸਾ 2 ਰੈਬਿਟਸ ਦਿਸ ਮੋਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਅਬਾਊਟ 12 ਡਕਸ, ਅਤੇ 9 ਹੋਰਸਿਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ 2 ਰੈਬਿਟਸ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੇਖੇ ਇਨ ਦਾ ਮੋਰਨਿੰਗ, ਅਬਾਊਟ 12 ਡਕਸ, 12 ਡਕਸ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ। ਆਈ ਕੁਡ ਨੋਟ ਕਾਊਂਟ ਦੈਮ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਵੁੱਡ ਨੋਟ ਸਟੇ ਸਟਿਲ ਇਨ 1 ਪਲੇਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਪਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੇ ਵੁੱਡ ਨੋਟ ਸਟੇ ਸਟਿਲ ਇਨ 1 ਪਲੇਸ, ਦਾ ਹੈਂਸ ਵੁੱਡ ਆਲਸੋ ਨੋਟ ਸਟੇ ਸਟਿਲ। ਹੈਂਸ ਮੁਰਗੀਆਂ ਵੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਮੁਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਟ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਕਾਊਜ਼, ਸੈਡ ਦਾ ਮਦਰ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਕਾਊਜ਼ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਵਟ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਕਾਊਜ਼, ਹੈਵ ਯੂ ਕਾਊਂਟਡ ਦੋਸ, ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ? ਆਈ ਡੋ ਨੋਟ ਲਾਈਕ ਕਾਊਜ਼, ਸੈਡ ਰਜਿੰਦਰ। ਰਜਿੰਦਰ ਮੂੰਹ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਗਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਦੇ ਹੈਵ ਬਿੱਗ ਹੌਰਨਸ ਐਂਡ ਦੇ ਰੋਰ ਐਟ ਮੀ, ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਰੋਰ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਇਨ ਰੋਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦਹਾੜ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦਹਾੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦਾ। ਓ ਨੋ, ਸੈਡ ਹਿਸ ਮਦਰ, ਲੋਇਨ ਰੋਰਸ ਕਾਊਜ਼ ਓਨਲੀ ਮੋ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ, ਇਹ ਲੋਇਨ ਰੋਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦਹਾੜ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦੇ, ਕਾਊਜ਼ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੋ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੋ ਹੈ ਨਾ, ਮੋਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਊਂਡ ਨੂੰ ਹੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਵੈਲ ਇਟ ਸਾਊਂਡ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਲੋਇਨਸ ਟੂ ਮੀ, ਸੈਡ ਰਜਿੰਦਰ। ਰਜਿੰਦਰ ਫਿਰ ਕੀ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਮੋਹ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲੋਇਨ ਰੋਰ ਕਰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਲੋਇਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਾਊਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੋਹ ਕਰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਡੋ ਨੋਟ ਲਾਈਕ ਦੀ ਕਾਊਜ਼ ਐਟ ਆਲ, ਦੇ ਆਰ ਬੈਡ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੁਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੋ, ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਫਰੈਂਡਸ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇਗੇ। ਦੇ ਗਿਵ ਅਸ ਡਿਲੀਸ਼ੀਅਸ ਗਿਫਟਸ, ਡਿਲੀਸ਼ੀਅਸ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਵਾਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਟੇਸਟੀ, ਫਲੇਵਰਫੁੱਲ, ਹੈ ਨਾ, ਮਾਊਥ ਵਾਟਰਿੰਗ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਿਫਟ
अलग गिफ्ट कर दिया ने डिलीशियस चीज़ा है ना सैड मदर शी टुक डाउन अ जग ऑफ मिल्क फिर ओदी माँ की कर दी है एक जग मिल्क दा भर के लिया दी है शी पोर्ड इट इनटू अ मग फिर वो मग दे विच उनु पोर कर दी है यानी कि ओदे विच पांदी है ना एंड गिव इट टू रजिंदर ते रजिंदर नु पा दें दी है ठीक है ही ड्रैंक इट वो पी लेंदा है So did that come from the cows? He asked. So, अच्छा, एक ही cows तो मिले हैं? He asked. Mother nodded. Well, it was simply delicious. है ना? ओके ओदे मदर फिर रिप्लाई कर दिया कहते बस तू इन्ना ध्यान रख भी ये बहुत डिलीशियस है स्वादी है ना कितों मिलेगा ओदे बारे बदर करन दी इन्नी जरूरत नहीं है एट लंच टाइम मदर पुट डाउन अ डिश ऑफ स्वीटेंड एप्पल फॉर रजिंदर लंच टाइम यानी कि दोपहर का समा हो गया तो मदर ने ओदे सामने की रखता रजिंदर के सामने एप्पल एप्पल कट के रखती है ना He looked around for the custard that mother usually made for him with this dish. ते हुण ओदियां अखां रजिंदर दियां अखां कुछ लभ रहीआं ने looked around लभ रही की लभ रहीआं ने गियां कस्टर्ड लभ रहीआं ने गियां जिहड़ी ओदी मम्मी मोस्टली ओह डिश नूं सर्व करन दे विच एप्पल्स दे उत्ते यानी कि ओह कस्टर्ड डाल के उहनूं दिंदी हुंदी सी देयर वाज नन है ना उत्थे कुछ वी नहीं सी दा काउ हैज सेंट यू This gift instead, said mother. She gave Rajinder a little jug full of thick cream. Custard ता नहीं मिला था वो काउ वो कहाँ दी मदर कहाँ दी काउज ने तेरे एक और नवा गिफ्ट दिता है ता की दिता है वो little jug जड़ा full of thick cream दा भरिया होया गा क्रीम दा है ना ता वो उत्थे रख दें दिया how lovely it was. वो कहाँ दा की किन्ना सोना है गा ये किन्नी सोहनी क्रीम लग रही है रजिंदर पॉड इट ऑल ओवर दी एप्पल्स फिर वो सारा वो जो क्रीम है सारी वो एप्पल्स के उत्ते छिड़क देंदा गा है ना पा देंदा गा दे टेस्टड मच नाइसर दैन यूजर ओदा टेस्ट आम नालों है ना बढ़िया लग रहा है आम तौर पर वो कस्टर्ड पा के खाता है पर अज ओदा टेस्ट कुछ डिफरेंट लग रहा सो दैट कम्स फ्रॉम दी काओ टू ए भी काउस तो मिले सैड द लिटल बॉय वो छोटा बच्चा पूछता है यानी रजिंद्र पूछ रहा है वेल इट मस्ट बी अ वेरी काइंड एनिमल यस इट इज है ना ऑल दीज थिंग्स आर मेड ऑफ काउ मिल्क सैड मदर मदर उन्होंने की रिप्लाई कहती हाँ ये सारिया चीज़ा आपू की है एनीमल्स तो मिलती है क्या हाँ वो पूछा सीगा रजिंद्र ने कि यह भी काउज ने दिता तो कहते हाँ ये भी काउज ने दिता है जड़िया भी ऑल दीज थिंग्स आर मेड ऑफ काउ मिल्क जड़िया भी मैं तेन अज सर्व करके दतिया ने चीज़ा वो का दिया बनिया हुई ने काउज मिल्क दियाँ ही बनिया हुई ने सैड मदर रजिंद्र वाज सरप्राइज टू नो दैट हाउ गिवज दैट काउज गिव सो मच मिल्क दैट हिज मदर कुड मेक सो मैनी थिंग्स आउट ऑफ इट तो रजिंद्र ये सोच के मतलब ये जान के बहुत हैरान होंगे है कि काउज सानू किनिया सोहनिया सोहनिया चीज़ा वो दुध तो किनिया वधिया वधिया चीज़ा बनदिया ने जड़ी मदर उन्हों उस उन्हों चीज़ा तो अलग चीज़ा बना बना के मिलके तो हेल्प लैके उदी मदर उन्हों सर्व करके दिंदी है ए टी टाइम हुण टी टाइम आ गया यानी कि ईवनिंग का टाइम आ गया मदर सर्वड अ लूफ ऑफ ब्रैड ऑन द टेबल विद होम मेड जैम मदर ने हुण सर्व किया कि ब्रैड है ना ब्रैड लूफ ऑफ ब्रैड है ना टुकड़ा ਆਪਾਂ ਲੂਫ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ ਬ੍ਰੈਡ ਲੂਫ ਆਫ ਬ੍ਰੈਡ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰੈਡ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਔਨ ਦਾ ਟੇਬਲ ਵਿਦ ਹੋਮ ਮੇਡ ਜੈਮ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੈਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਯੂਜਲੀ ਦੇਅਰ ਵਰ ਸਲਾਈਸਿਸ ਔਫ ਬ੍ਰੈਡ ਐਂਡ ਬਟਰ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰੈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਟਰ ਦੀਆਂ ਸਲਾਈਸਿਸ ਅਤੇ ਜੈਮ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਰਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲੁੱਕ ਰਜਿੰਦਰ ਦ ਕਾਊ ਹੈਜ਼ ਸੈਂਟ ਮੀ प्रेजेंट टू है ना कहते देख रजिंदर काओ ने मैनू एक होर गिफ्ट भेजे मदर लिफ्टड अप द लिड ऑफ द चीज डिश एंड अंडरनेथ रजिंदर सा अ बिग लंप ऑफ होममेड चीज़
At tea time, mother served a loaf of bread on the table with homemade jam. ठीक है, loaf of bread बारे आप पढ़िया सी की हुंदा है गा रोटी का टुकड़ा. टी टाइम दे विच मदर उन्हों की सर्व कर दी है loaf of bread, मतलब ब्रेड दे पीस सर्व कर दी है on the table with homemade jam. Usually there were slices of ब्रेड एंड बटर, मतलब आम तौर पर वो मतलब ब्रेड नू सर्व कर लग्या की यूज़ कर दी है स्लाइसिस ऑफ ब्रेड है ना ते बटर मक्खन दी है. लुक रजिंदर द काओ है सेंट मी अ प्रेजेंट है ना, और रजिंदर नू कहंदे कहंदे देख रजिंदर काओ ने एक होर प्रेजेंट मैनू दिता है. मदर लिफ्टड अप द लिड ऑफ द चीज डिश एंड अंडरनेथ रजिंदर सा बिग लंप ऑफ होम मेड चीज़. मदर हूँ उन्होंने की दें चीज़ डिश है ना, चीज़ पनीर दी बनाई हुई डिश सर्व कर दी है ते एंड अंडरनेथ रजिंदर सा आ बिग लंप ऑफ होम मेड चीज़ है ना. बिग लंप मतलब गिठ, आप लंप का मीनिंग की बढ़िया गिठ है ना कि वड्डी सारी जिन ओदे हाथ विच भी नहीं आता है इन्ने सारे पनीर का की करता है वह होम मेड जिहड़ा चीज़ आ पनीर जिहड़ा घर का कढ़िया होया गा वह खांदा है. मदर कट फॉर हरसेल्फ अ पीस ऑफ चीज़ एंड सेड इट वॉज डिलीशियस है ना. मदर कट के देंदी उन्हें पनीर का टुकड़ा तो कहते हैं वह कहते मदर कहते हैं कि इट वॉज डिलीशियस टेस्टी है. मे आई पुट सम ऑन माई लूफ सैड रजिंदर, फिर रजिंदर उस तो पुछता कि मैं कुछ पनीर अपनी लूफ दे विच पा सकता गा, मतलब जो उन्होंने ब्रैड का पीस रखा हुआ भी वो रख सकता. ओ माई गोड सैड रजिंदर, तो फिर उन्होंने टेस्ट करके रजिंदर का की इंप्रैशन होंगे गा. रजिंदर कहता गा ओ माई गोड वट अ नाइस फ्रेंडली क्रिएचर द काओ इज, कहते कि रब ने किन्ना सोहना जानवर बनाया है काओ. वट अ नाइस फ्रेंडली क्रिएचर द काओ इज. आई विल नोट हिट इट एनी मोर और बी फाइटेंड ऑफ इट, कह मैं हूँ अज तो बाद इस नाल नफरत नहीं करता तो ना ही कदे ये झगड़ा करूँगा. दिस इज नो रीज़न टू बी सैड मदर, मोदे मदर कहते ते को तेरा उन्होंने नफरत करन दा कोई रीज़न भी नहीं बनता. I shall go and stand on the gate that lead to the cow field. मैं उत्थे जाऊँगा तो उत्थे खड़ूँगा गेट पर खड़ूँगा that lead to the cow field, जेड़ा कि मतलब जिथे गावा का खेत है ना, जिथे गावा का खेत लीड करता है. एंड से थैंक यू टू द काउज, तो मैं उन्होंने धन्यवाद करूँगा सैड रजिंदर. आई डिड नॉट नो दे वर सो काइंड है ना, मैनू यह नहीं पता सी कि वह किनिया काइंड है किनिया दयालू आ. एंड नाउ रजिंदर इज नॉट अ बिट अफ्रेड ऑफ काउ, तो हूँ की होया रजिंदर ने उन काउज़ तो डरना भी बंद करता क्योंकि उन्होंने ऐ लगता सी ना कि काउज़ जड़ियाँ है और रोर कर दियाँ ने गियाँ. एंड ही लाइक्स दैम वेरी मच, तो उन्होंने पसंद भी करन लग गया. ही सेज़ दे आर हिज फ्रेंड्स, वट डू यू से है ना, उन्होंने ये लग्या कि हाँ यह साडिया फ्रेंड है, तो हूँ तुम दसो ये थानू की लग्या. ठीक है, दिस वॉज आर लैसन रीडिंग. नाउ वी आर स्टार्टिंग सैकेंड एक्टिविटी. एक्टिविटी चूज साउंड ऑफ एनिमल्स फ्रॉम द गिवन बुक्स, उत्थे स्पैशल थानू पेज भी शो करा गे. उत्थे की है लैसन दे विच की दिता हुआ, एक बुक्स बनया हुआ उहदे विच अलग अलग वर्ड्स लिखे हुए हैं. ठीक है, वह वर्ड्स आपने ये सिलेक्ट करने हैं कि आ होर्स केड़ी साउंड कर देगा, वो साउंड की नाम दिता गया. एंड ऑल अ गॉड अ क्रो अ पैरट अ फ्रॉग अ डोंकी एंड अ डक की साउंड करते हैं. ठीक है, जिमें कि आ होर्स की साउंड कर देगा, द साउंड ऑफ होर्स इज कॉल्ड ने, इट इज कॉल्ड ने. एंड ऑल हॉर्स है ना, अ गॉड a crow came, a parrot talked,
ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੈਰਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਇਹਦਾ ਟੌਕ ਕੀ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਫੋਰ ਸਮਥਿੰਗ ਐਲਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ। ਅ ਫਰੋਗ ਦ ਸਾਊਂਡ ਆਫ ਫਰੋਗ ਇਜ ਕਾਲਡ ਫਰੋਗ। ਓਕੇ ਅ ਸਾਊਂਡ ਆਫ ਡੋਂਕੀ ਇਜ ਕਾਲਡ ਬ੍ਰੇ। ਐਂਡ ਦ ਲਾਸਟ ਵਰਡ a duck the sound of a duck is called quack। Okay students ye activity main the board te kari hai te ede naal tonu page vi show hoga ode according ode vich tusi words dekh sakde ho। Okay let us start our third activity and the activity name is fill in the blanks hai na। सिलेक्ट सूटेबल वर्ड्स फ्रॉम द लेसन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। जिमें कि फर्स्ट सेंटेंस है रजिंदर वाज डैश बिकॉज हिज पेरेंट्स हैड मूव्ड टू द विलेज। ये फर्स्ट लाइन के तुम एक वर्ड मिल जूगा तो ये तुम ईजीली भर सकते कि रजिंदर की सी। रजिंदर उस समय की सी खुश सी उदास सी जो वे पेरेंट्स ने मूव किया विलेज वाल तो वह की सी हैप्पी सी। काओ मू एंड लॉइन मू काओ आवाज़ कटती है मू जिंद आवाज साउंड आप कहने मू एंड लॉइन काओ सेंड अस अ लॉट ऑफ काओ सेंड अस अ लॉट ऑफ कि आप लैसन च भी पढ़िया कि ना कि काओज आप सेंड कर दें ने कि दिदिया ने लॉट्स ऑफ प्रेजेंट्स। ठीक है गिफ्ट अलग अलग जो मिल्क तो बनते हैं वो दुध तो बनते हैं। ठीक है रजिंदर पॉट्स डैश ऑन हिज एप्पल तो जो लंच टाइम से जो थोड़ा याद हो तो वो मदर ने आलू फोफ ब्रैड्स उन्होंने दिते से तो सामने एक जग छोटा जहा रखा सगा विद अ थिक क्रीम का है ना तो वह कहता भी मैं एप्पल के उत्ते थिक क्रीम पा लेना है तो मतलब रजिंदर पॉट्स डैश ऑन द ऑन हिज एप्पल फिलअप थोड़ा व्डा वैसे लिख दी जग ऑफ जड़ी की वो भी उन्होंने गां तो ही प्राप्त हुई थी। ठीक है फिफ्थ एंड लास्ट मदर ईट्स अ पीस ऑफ चीज एट टेबल।